दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गया है और इसका प्रभाव हमारी शिक्षा के ऊपर पड़ा है। इस 2020 साल में नया राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाया गया है, जो इसके बारे में 23 मुख्य बातें बताई गई है जो हमारी शिक्षा प्रणाली के लिए आवश्यकता है। अगर आप शिक्षा के साथ जुड़े हुए हो तो आप इस नया नीति को जानना जरूरी है और मैं इस वीडियो से आपको पूरा 23 नीति के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा और समझिएगा और मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। 23 की पॉइंट अबाउट द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिफॉर्म्स आवर एजुकेशन सिस्टम नीडेड, जो मैंने पहले बताया था वही बात यहाँ पे बताया गया है। देखिए, यह पब्लिश हुआ है July 30, 2020 पे। चलिए मैं एक नंबर पॉइंट से क्या क्या लिखा है देखते हैं। मैं डायरेक्ट पॉइंट पर चले जाता हूँ। लेट्स चेक द आउट साइलेंट फीचर ऑफ द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इंक्रीज फोकस ऑन रीजनल लैंग्वेज, आंचलिक भाषा के ऊपर फोकस ज़्यादा देना चाहिए। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज़ मेड इट मैंडेटरी टू एड्रेस स्टूडेंट्स इन रीजनल लैंग्वेज टिल क्लास 5 और इन सम कोर्सेज टिल क्लास 8। दिस हैज़ ब्रॉट इन प्लेस सो दैट द स्टूडेंट्स नो देयर मदर लैंग्वेज बेटर। मतलब नया शिक्षा नीति ने कक्षा 5 तक या कुछ मामलों में कक्षा 8 तक के छात्रों को आंचलिक भाषाओं में संबोधित करना अनिवार्य कर दिया गया है और ये नीति इसलिए बनाया गया है कि ताकि छात्रों को अपनी मातृभाषा को बेहतर तरीके से जान सके और सीख सके। दोस्तों, सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। फोकस ऑन संस्कृत, संस्कृत भाषाओं पर फोकस देना चाहिए। एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, संस्कृत लैंग्वेज नीड टू बी मेन स्ट्रीम्ड एंड शुड बी इंक्लूडेड इन द 3 लैंग्वेज ऑप्शन इन स्कूल एंड कॉलेज। ये बताया गया है कि नया शिक्षा नीति 2020 के अनुसार संस्कृत भाषाओं को मुख्य भाषाओं में लाने की आवश्यकता है और इससे स्कूल एंड कॉलेज में 3 भाषाओं विकल्प में शामिल किया जाना चाहिए। 10+2 जो हायर सेकेंडरी संरचना में परिवर्तन। द 10+2 स्ट्रक्चर इन द स्कूल विल बी रिप्लेस बाई अ स्ट्रक्चर ऑफ 5+3+3+4। दिस विल इंक्लूड फाउंडेशन 5 years, प्रिपरेटरी 3 years, मिडिल 3 years एंड सेकेंडरी 4 years। मतलब स्कूल में 10+2 संरचना को 5+3+3+4 की संरचना से बदल दिया जाएगा। इसमें फाउंडेशन 5 years, पारंपरिक 3 years, मध्य 3 years और माध्यमिक 4 years शामिल होंगे। नेक्स्ट चैनल नंबर पॉइंट की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट विल बी फ्लेक्सिबल टू चॉइस देयर सब्जेक्ट प्रेफरेंस टिल PhD लेवल्स। मतलब छात्र PhD स्तर तक अपनी विषय को चुनने के लिए लचीले होंगे। इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी देयर विल बी नो मेजर डिस्टिंक्शन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस एंड बिटवीन करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। मतलब नया शिक्षा नीति में कला और विज्ञान के बीच और पाठ्यक्रम और पाठ्यस्तर गतिविधियों के बीच कोई बड़ा अंतर नहीं होगा, मतलब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट 5 नंबर पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। यह पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम फ्रीक्वेंसी विल बी चेंज। नाउ द स्टूडेंट विल हैव टू अपीयर इन एग्जाम ओनली थ्राइस, व्हिच इज ऑन 3rd standard, 5th standard एंड 8th standard। असेसमेंट ऑफ अदर क्लासेस विल फोकस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, क्लियरिंग कॉन्सेप्शन एंड एनालिटिकल स्किल। देखिए, परीक्षा फ्रीक्वेंसी बदल दिया जाएगी। अब छात्रों को केवल 3 बार परीक्षा में उपस्थित होना पड़ेगा, जो 3rd कक्षा और 5th कक्षा और 8th कक्षा, और बाकी कक्षा के लिए कौशल पर केंद्रित होगा। नेक्स्ट 6 नंबर पॉइंट की तरफ चलते हैं। हाँ, चिल्ड्रेन विल बी एनकरेज टू लर्न वोकेशनल स्किल। एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, द स्टूडेंट्स शुड लर्न एटलीस्ट 1 वोकेशनल कोर्स ड्यूरिंग हिज करियर। मतलब नया शिक्षा की नीति 2020 साल के अनुसार छात्रों को अपने करियर के दौरान कम से कम 1 वोकेशनल पाठ्यक्रम सीखना चाहिए। नंबर नीति देख लेते। बोर्ड एग्जाम पैटर्न विल बी चेंज। बोर्ड एग्जाम इन द 10th एंड 12th स्टैंडर्ड विल इंक्लूड बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर फोकसिंग ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। मतलब बोर्ड एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया जाएगा। 10वीं और 12वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा में बच्चों को समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए व्यक्तिपूर्वक और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पेपर दोनों शामिल होंगे। दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन क्या रखा गया है यहाँ पे देख लीजिए। इंक्रीज इंपॉर्टेंट टू आर्ट्स। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विल गिव मोर इंपॉर्टेंस टू आर्ट्स।
Even stars will be given in hiring more local artists, writers and craftsmen, etc. as teacher. This will bring new employment opportunity to local artists. मतलब 2020 नया शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षण संस्था कला को अधिक महत्व देंगे. यहाँ तक भी टीचर के रूप में अधिक स्थानीय कलाकारों, लेखकों और शिल्पकारों आदि को काम पर रखने पर भी तनाव दिया जाएगा. इससे क्या होगा, लोकल कलाकारों का रोजगार भी मिलेगा. नेक्स्ट नंबर पॉइंट देख लेते हैं, डिसकंटिन्यू ऑफ एमपील. एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एमपील विल बी डिसकंटिन्यूड. सर 2020 एमपील का बंद कर दिया जाएगा. एंड 10 नंबर पॉइंट पे देखिए, फॉरेन यूनिवर्सिटी विल नाउ बी एबल टू सेट अप कैंपसेस इन इंडिया. दिस विल हेल्प स्टूडेंट हु आर इंटरेस्टेड इन सीकिंग फॉरेन एजुकेशन एंड विल ऑल्सो रेज द लेवल ऑफ इंडियन एजुकेशन. मतलब फॉरेन यूनिवर्सिटीज भारत में स्थापित करने में सक्षम होंगे. नेक्स्ट 11 नंबर पॉइंट पर चलते हैं, स्ट्रेस ऑन एडल्ट एजुकेशन. एडल्ट एजुकेशन विल बी स्ट्रेस्ड अप एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020. स्कूल कॉम्प्लेक्सेस विल बी यूज्ड फॉर एडल्ट एजुकेशन. नया शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एडल्ट शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया जाएगा. नेक्स्ट 12 नंबर पॉइंट पर चलते हैं, फोकस ऑन डिजिटल लर्निंग. ऑनलाइन एजुकेशन विल बी ट्रेस्ड अप एंड इवन डिजिटल कंटेंट विल बी फोकस्ड ऑन. मतलब दोस्तों ऑनलाइन शिक्षा पर ज्यादा दिया जाएगा. यहाँ तक भी डिजिटल सामग्री पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा. नेक्स्ट 13 नंबर पॉइंट चेक कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ एकेडमिक क्रेडिट बैंक. इफ somebody left their education in between, then their credit will be transferred to academic bank of credit and one can continue again from where they had left. मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा एकेडमिक क्रेडिट बैंक की पॉलिसी. अगर किसी ने बीच में ही अपनी शिक्षा छोड़ दी तो क्रेडिट को एकेडमिक क्रेडिट बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और फिर से जारी कर सकता है जहाँ से उन्होंने अपनी शिक्षा छोड़ दिया था. नेक्स्ट 14 नंबर पॉइंट, इंट्रोडक्शन ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया. एजुकेशन रेगुलेटर लाइक ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन विल बी माइग्रेट इनटू वन हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया व्हिच विल बी सेट अप एज ए गवर्निंग बॉडी. जैसे कि दोस्तों कोडिंग एंड वोकेशनल कोर्सेज कक्षा 6 से पढ़ाया जाएगा. चलिए 16 नंबर नीति पर, बजट फॉर एजुकेशन विल बी इंक्रीज्ड. मतलब दोस्तों शिक्षा के लिए ज़्यादा बजट बनाया जाएगा. चलिए 17 नंबर नीति के ऊपर, इंट्रोडक्शन ऑफ बैगलेस डेज. बैगलेस डेज विल बी एनकरेज्ड ऑन सेवरल डेज ऑन द ईयर. ऑन सच डेज द स्टूडेंट विल बी एनकरेज्ड टू टेक पार्ट इन द वोकेशनल एंड द एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज. इसका मतलब है दोस्तों साल में कई दिनों में भागलों को प्रदर्शित किया जाएगा. ऐसे दिनों में छात्रों को अत्यावश्यक और पाठ्यस्तर गतिविधियों में भाग लेने के लिए उत्साह भी किया जाएगा. नेक्स्ट 18 नंबर नीति के ऊपर चलते हैं, कॉमन एपिटाइट टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय द NTA. हाई क्वालिटी कॉमन एग्जाम विल बी कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA फॉर वेरियस सब्जेक्ट लाइक साइंस, आर्ट्स एक्सेट्रा फॉर द यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम एटलीस्ट ट्वाइस एवरी ईयर. दोस्तों हर साल कम से कम दो बार विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए विभिन्न विषय जैसे कि विज्ञान कला आदि के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा परीक्षा आयोजित किया जाएगा. नेक्स्ट 19 नंबर नीति, द स्कूल रिपोर्ट कार्ड विल फोकस ऑन अदर स्किल अलोंग विद एकेडमिक. एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी मोर एम्फेसिस विल बी मेड टू द एजुकेशन ऑफ द स्पेशली एबिलिटी चिल्ड्रंस. दे विल बी एनकरेज टू टेक पार्ट फुल्ली इन द एजुकेशन प्रोसेस. दे विल बी गिवन द सपोर्ट ऑफ स्पेशल मेंटर्स, असिस्टिव डिवाइसेस, इंस्ट्रक्टर एक्सेट्रा. दोस्तों नया शिक्षा नीति के अनुसार विशेष रूप से विकलांग बच्चों की शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाएगा. चले 21 नीति के ऊपर, मल्टीपल एंट्रीज एंड एग्जिट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर हायर एजुकेशन.
दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जो ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। इफ़ यू वांट यू कैन लीव द हायर एजुकेशन इन द मिडिल एंड यू विल स्टिल गेट सम शॉर्ट ऑफ सर्टिफिकेट। फॉर इंस्टेंस इफ यू कंप्लीट 4 years ऑफ एजुकेशन देन यू विल रिसीव ए मल्टीपल डिसिप्लिनरी बैचलर डिग्री। इफ यू लीव ए कोर्स आफ्टर 2 years देन यू विल गेट ए डिप्लोमा एंड इफ यू एग्जिट आफ्टर 12 months देन यू विल स्टिल रिसीव्स ए डिग्री ऑफ प्रोफेशनल और ए वोकेशनल कोर्स। जी हाँ दोस्तों, ये नया नीति लॉन्च किया गया शायद। देखिए, यदि आप चाहते हो कि उच्च शिक्षा को बीच में छोड़ सकते हो तो इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। फॉर इंस्टेंस उदाहरण स्वरूप, यदि आप चार साल की बीच शिक्षा पूरी करते हो तो आपको एक बहुमुखी स्नातक की डिग्री प्राप्त होगी। यदि आप 2 साल के बाद एक कोर्स छोड़ते हो तो आपको एक डिप्लोमा मिलेगा, और यदि आप 12 साल के बाद बाहर निकलते हो तो आपको एक प्रवेशिका पाठ्यक्रम की डिग्री दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, 22 नीति के ऊपर, एक्सटेंशन ऑफ राइट टू एजुकेशन। द राइट टू एजुकेशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड एंड इट इंक्लूडेड इन स्टूडेंट्स बिटवीन 3 to 18 years। इसका मतलब शिक्षा का अधिकार बनाया गया है और इसमें 3 to 18 साल के बीच के छात्रों को शामिल भी किया जाएगा। 23 लास्ट नीति दोस्तों, फॉर टेक्नोलॉजिकल साउंड। लास्ट में क्या नीति बनाया गया, देखिए, डिवाइन फ्रेंडली एजुकेशन सॉफ्टवेयर विल बी इंट्रोड्यूस्ड फॉर पार द न्यू पॉलिसी। ऑल्सो ई कॉन्टेंट विल बी पब्लिश्ड इन रीजनल लैंग्वेज IETF विल बी इंट्रोड्यूस्ड। मतलब नया नीति के अनुसार दिव्यन अनुकूल शिक्षा सॉफ्टवेयर पास किया जाएगा और आंचलिक भाषा में भी ई कॉन्टेंट प्रकाशित भी किया जाएगा। दोस्तों ये नीति 2030 तक जाके कंप्लीट हो जाएगा और टीचर को 2023 तक पहले तैयार रहना चाहिए। तो वीडियो हो चुका काफ़ी लंबा दोस्तों, अगर आप इससे को क्लियर नहीं हुआ तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको डेफिनेटली आपको रिप्लाई दूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि इस चैनल से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्ञान मिल सके। ओके, थैंक फॉर वॉचिंग।